हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी ठंडी, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, कई दिन से धूप नहीं निकली। और मैं आरिश के लिए बना रही हूँ पराठा, आलू का पराठा, उसकी फरमाइश आई है। वैसे वो कुछ खाता नहीं है जल्दी से, लेकिन उसने खुद ही बोला तो मैंने सोचा चलो अच्छे से तो खा लेगा, तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। ये मैंने थोड़ी सी पिट्ठी बनाई है। वो तो अपने हाथ से खिला देती हूँ, वैसे आधा तो खा लिया इसने, और बाकी ये थोड़ा ड्रामे कर रहा है तो मैं खिला देती हूँ उसको अपने हाथ से। अच्छा लग रहा है? अच्छा है, टेस्टी। एक और खाएगा? एक पराठा खा लेगा बस, एक से ही? स्ट्रॉन्ग कैसे होगा फिर? स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? चल ठीक है, ये तो फिनिश कर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मुझे हो गया कोल्ड बहुत ज़्यादा वाला, और बच्चों को भी हो गया है। रिवांश की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी तो नाक मतलब बहुत ज़्यादा बहरी है, और दो तीन दिन से तो हो ही रहा था, दवाई भी ले रहे हैं लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा। तो आज मैंने सोचा है दूसरे डॉक्टर को चेक कराने के लिए, जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, शायद फीवर है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है और बैक भी पेन हो रही है। तो फीवर होता है तो तब ऐसा होता है कि बॉडी पेन होता है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो बच्चों का नहीं देखा जाता, खुद की तो तबीयत ख़राब हो तो कोई बात नहीं, हैंडल कर लेते हैं, बट बच्चों का तो बड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रैंकी से। तो काकू की दवाई लेने जा रहे हैं हम लोग, काकू से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो रिवांश की दवाई मैं लेकर आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के पास। मैं 3 बजे गई थी और 3 बजे के बाद 6 बजे आई हूँ, और रास्ते में बहुत जाम था। 31st थी तो लोग भी घूमने जा रहे होंगे 31st को न्यू ईयर पे। 9 बजे की अपॉइंटमेंट में 3 बजे का टाइम दिया था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, सबको वही सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब हो रहा है। और अभी 3 दिन की दवाई दी है, देखो 3 दिन में अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन में फिर से चेक कराना है। तो नेबुलाइजर से स्ट्रे भाभी देनी है उसको, और मतलब तीनों टाइम देनी है, तो उसे चेस्ट जो कंजेशन हो रहा है इसकी वो भी मतलब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर तो कह रहे हैं। अभी देखो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कई दिन हो गए, अब 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। अब मुझे भी कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा वाला, तो हम तो जैसे तैसे सह लेंगे, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं दवाई लेकर आऊँगी अपनी भी, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी मैं करती हूँ न्यू ईयर की तैयारी, क्योंकि मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊंगी, कल न्यू ईयर है तो गाजर का हलवा भी बना लेती हूँ, और कल मम्मी भी आ जाएंगी तो ये सरप्राइज भी हो जाएगा उनके लिए। तो अभी जल्दी से गाजर वाजर तैयार कर लेती हूँ, घिस लेती हूँ, और उसके बाद जल्दी से बना लूँगी, और खाने का भी टाइम हो गया है, और रिवांश को दवाई भी देनी है मुझे अभी, उसको कुछ खिला पिला के दवाई भी दे देती हूँ। तो मिलते थोड़ी देर में। चला रहने ना, चला रहा हूँ तो बंद करो ना। नहीं ना, पहले करो फिर बंद कर दियो, मेरा करना फिर, मेरा करना फिर। और देखो कितने मेरा यू वाले करना अपनी बोला। अब आरिश भी ले रहा है, काकू परेशान नहीं कर, आपने ले ली ना। 3, 2, 1.